For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. इश्क में मर जावा की अगर बात करें तो उसमें अब आप देख ही रहे हैं कि कैसे डैनी बन चुका है अब नया आशिक आरोही का, और ऐसे में दीप उसको बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता है डैनी से, और डैनी ये समझता है कि अभी भी दीप चोट पहुँचाना चाहता है आरोही को, और इसीलिए वो आरोही को बचाना चाहता है दीप के चंगुल से। लेकिन आरोही है दीप के प्यार में पागल और वो कुछ नहीं सुनने को तैयार। यहीं वहीं आपने देखा कि कैसे जब डैनी आकर समझाता है आरोही को कि दीप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कर रहा है ढोंग, और डैनी करता है उससे बहुत मोहब्बत, तो ऐसे में आरोही तो शॉक रह जाती है और दूसरी तरफ वो दीप को नहीं छोड़ना चाहती। जहां वो सूटकेस पकड़ा देती है डैनी का और चली जाती है घर से बाहर, जहां पर वो डैनी को भी बोल कर जाती है कि वो चले जाए बाहर कहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि एकदम से ढोल नगाड़े के साथ दीप आता है घर में, जहां पर वो अपने शादी के कार्ड छपवाए आता है, और आरोही ये सब देख कर काफ़ी हैरान रह जाती है, तो वहीं डैनी भी। लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी अब आप देखने वाले हैं, क्योंकि दीप पहुंच जाने वाला है तांत्रिक के पास और वो अपना तीज जानता नजर आएगा एक बार फिर से। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।